ये हमारा कर्नी था। लास्ट हमने देखा था कि लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन देखा था ना, ठीक है, मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन के ऊपर से हमने लेंस फॉर्मूला मैग्निफिकेशन देखा था, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला हमने लिखा था 1/b - 1/u = 1/l एंड मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस l = h / h और v/u, ठीक है, ये हमने लिखा था। तो उसके ऊपर से हम अब सम कैलकुलेट करेंगे। तो एग्जाम्पल 10.3 जैसे हमने मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन के ऊपर से एग्जाम्पल 10.1 एंड 10.2 किया था, वैसे हम लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के ऊपर से एग्जाम्पल 10.3 एंड 10.4 करेंगे, ठीक है। तो साइन हमें साथ में देखती जानी है, वहां पे जैसे देखी थी वैसे ही, ठीक है। तो पहले 10.3 क्वेश्चन क्या है कि अ कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस दिया है पहले तो कनकेव लेंस। अब याद करो कि कनकेव लेंस मैंने आपको लिखवाया है कि कौन सा लेंस होगा, तो उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ठीक है, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, ये सब कुछ मैंने साइन आपको लिखवाया है कि किसमें साइन कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लेंस दिया है, देखो कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है। साइंस मैंने लिखवाई है वहां पे, देखो कनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे दिया है फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो वो क्या आएगा, -15 सेंटीमीटर। तो पहले यहाँ पे लिख दो कि कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस के लिए सारे हम साइन कन्वेंशन देखेंगे, ठीक है। पहले आपको दिया है फोकल लेंथ, सिंबल क्या है, स्मॉल ए कितनी है 15, तो क्या आएगा -15 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया है कि एट वोट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, एट वोट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना चाहिए, दैट मीन्स कि हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम क्या लेते हैं, यू, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेते हैं, यू, तो यू हमें फाइंड करना है। अब याद करो कि मैंने आपको लिखवाया था कि लेंस कोई भी हो, कनकेव हो या कन्वेक्स हो, सब में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब कि हम जो आंसर फाइंड करें वो हमें नेगेटिव मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। लेंस से कितना डिस्टेंस है इमेज का, 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये हमें इमेज डिस्टेंस दिया है। इमेज डिस्टेंस हम क्या लेते हैं, स्मॉल वी, ठीक है, इमेज डिस्टेंस स्मॉल वी। तो हमें कनकेव लेंस के लिए इमेज कहाँ पर मिलती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट मिलती है, ठीक है। वर्चुअल एंड डायरेक्ट हो तो कैसी आएगी साइन, पॉजिटिव आएगी, ठीक है, क्योंकि हमें कहाँ मिलेगी, लेंस की इस साइड मिलेगी, सॉरी नेगेटिव आएगी, हाँ, लेंस की जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड मिलेगी, तो क्या मिलेगी यहाँ पे हमें, नेगेटिव मिलेगी, ठीक है। तो आएगा -10 सेंटीमीटर कनकेव मिरर में, ये कनकेव लेंस है, सॉरी, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे रखा होगा, रेस ऐसे जाके डाइवर्ज होते हैं, तो यहाँ पे हमें इमेज मिलती है, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा ना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, ठीक है, हमें मैग्निफिकेशन भी फाइंड करना है। तो पहले तो हमारे पास लेंस फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/v - 1/u = 1/f, उसमें हमारे पास v और f है, तो u मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे लिख देना इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस v, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। अब लेंस फॉर्मूला -1/u = 1/f, ठीक है, b क्या है, -10, तो 1/-10 माइनस, u क्या है फाइंड करना है, = 1/f क्या है 50। अब 1/u नेगेटिव है, इससे नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, 1/ प्लस हो जाएगा, तो ये 1/-10, ये -50 इस साइड आएगा, तो +50 = 1/u, ठीक
ठीक है, एलसीएम ले लो, क्या आएगा एलसीएम 150, यस 150 आएगा, तो यहाँ तक इसे 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और माइनस 9, तो माइनस 15 प्लस 10 डिवाइड बाय 150 इज इक्वल टू 1/u, तो क्या मिलेगा आपको माइनस 15 प्लस 10 दैट इज माइनस 5 अपॉन 150 इज इक्वल टू 1/u, और 150 है वो 5 से डिवाइड होगा, क्या आएगा नीचे 30 आएगा, नीचे आएगा 30, तो क्या आया माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/u, अब दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लो, बट यहाँ पे माइनस साइन तो रहेगा ना रेसिप्रोकल तो, ठीक है, तो u इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको माइनस 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यों आएगा क्योंकि यहाँ पे फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस दोनों सेंटीमीटर में है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कितने किसमें मिलेगा सेंटीमीटर में, तो आपको मिल गया कि ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है, तो हम लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिला ना, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड ए सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, लेंस से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे उसे रखना पड़ेगा, हमें बोला था कि ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन, ठीक है, और एंड ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, अब मैग्निफिकेशन के लिए हमने दो फॉर्मूला लिखा था एच डेस अपॉन एच एंड दूसरा वी अपॉन यू, पर एच और एच डेस की वैल्यू तो है नहीं, तो वी अपॉन यू वाला यूज करेंगे, ठीक है, अब हम लिखेंगे मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू वी अपॉन यू, देखो यहाँ पे पॉजिटिव वी अपॉन यू आएगा, हाँ लेंस में मिरर को तो माइनस वी अपॉन यू, ठीक है, तो वी अपॉन यू, वी कितना है हमारे पास माइनस 10, कीप इट विद राइट इट विद साइन, ओके, तो वी इज इक्वल टू माइनस 10 एंड यू इज इक्वल टू माइनस 30, तो क्या आएगा 1/3 आएगा, 1/3 को करो तो 0.33333 ऐसा मिलेगा आपको, क्या मिलेगा 0.33, राउंड फिगर 0.33 हम ले सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन हमें क्या मिला 1/3, दैट मीन्स की इमेज है वो ऑब्जेक्ट की क्या होगी 1/3, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इमेज इज ऑफ द 1/3 साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज कितनी होगी ऑब्जेक्ट की 1/3 साइज की होगी, सपोज कि ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर का है तो इमेज हमें 1/3 मतलब कि 10 सेंटीमीटर की मिलेगी, तीसरे बार ठीक है छोटी मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे देखो मैग्निफिकेशन कैसा है लेस देन 1 है, मैंने आपको लिखवाया था ना मिरर में, मैंने लिखवाया था कि अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो इमेज क्या है ऑब्जेक्ट से एनलार्ज है बड़ी है, ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो इमेज ऑब्जेक्ट से कैसी मिलेगी छोटी मिलेगी, ठीक है, और इज इक्वल टू 1 है तो इमेज एंड ऑब्जेक्ट दोनों सेम साइज, ठीक है, सेम यहाँ पे अप्लाई होगा, जैसा मिरर में मैंने आपको लिखवाया था लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में वैसा ही यहाँ पे अप्लाई होगा, अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 तो इमेज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर अगर मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 देन इमेज इज लेस देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड इज इक्वल टू 1 देन इमेज एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर ऑफ सेम साइज, क्लियर, ठीक है, तो यहाँ पे लेस देन 1 है तो इमेज हमें कैसी मिलेगी ऑब्जेक्ट से छोटी मिलेगी, कितनी छोटी तो कि उसकी 1/3 साइज की होगी, क्लियर, ठीक है, लिख लो आंसर इसका, हो गया सबका, देन लेट्स मूव टू एग्जांपल 10.34, ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो लेंस कौन सा है वो देख लो, इस प्लेस पे परपे
परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस. कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस. तो पहले यहाँ पे ऊपर लिख दो कन्वेक्स लेंस. ठीक है, अब आपको दिया है ऑब्जेक्ट साइज. कितना दिया है ऑब्जेक्ट साइज मतलब एज? कितना दिया है? प्लस 2.0 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट साइज ऑलवेज पॉजिटिव आया है ना. ठीक है, तो प्लस माइनस यहाँ पे लिखना. ठीक है, यहाँ पे आप प्लस नहीं लिखोगे तो भी पता है कि वो प्लस है, बट यहाँ पे जैसे लेंस और मिरर के सम हो ना, वहां पे प्लस माइनस साइन साथ में लिखो. ठीक है, फिर क्या दिया है? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव या नेगेटिव? साइन कन्वेंशन में देखो पॉजिटिव होती है. ठीक है, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव. और यहाँ पे कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर. दैट मीन्स की प्लस 10 सेंटीमीटर आएगा फोकल लेंथ. डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर. डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है. कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर. और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज कैसा होता है? दोनों लेंस, कोई भी लेंस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज कैसा होता है? नेगेटिव. ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्मॉल u कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर माइनस 15 सेंटीमीटर. ठीक है, फाइंड द नेचर पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज. ठीक है, नेचर ऑफ इमेज दैट मीन्स कि वो वर्टिकल एंड इरेक्ट है या तो रियल है इन्वर्टेड है, वो फाइंड करना है. फिर पोजिशन ऑफ द इमेज दैट मीन्स कि हमें इमेज डिस्टेंस स्मॉल v फाइंड करना है एंड साइज ऑफ द इमेज दैट मीन्स कि एच डेस साइज ऑफ द इमेज हमें फाइंड करना है. तो हमें फाइंड करना पड़ेगा एक तो इमेज डिस्टेंस, पोजिशन ऑफ द इमेज दैट मीन्स कि इमेज डिस्टेंस, साइज ऑफ द इमेज एच डेस इमेज साइज एच डेस. और क्या फाइंड कर रहा है? नेचर ऑफ द इमेज. तो पहले तो हमें दिख रहा है कि हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू एंड फोकल लेंथ एफ दिया है, तो लेंस फॉर्मूला से इमेज डिस्टेंस भी मिल जाएगा. ठीक है, लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. 1/b इमेज डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, माइनस 1/u क्या दिया है? u क्या है? माइनस u. तो ये माइनस साइन, तो एक तो माइनस साइन फॉर्मूला का और दूसरा u की जगह पे माइनस 50 इज इक्वल टू 1/f. f क्या है? प्लस 10. ठीक है, ये माइनस 15, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. और ये प्लस 115 यहाँ पे आएगा. देखो कैसे होगा, 1/3 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस. ठीक है, तो प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/10. अब ये 1/15 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. ठीक है, देयरफॉर 1/b इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15. अब यहाँ पे भी एलसीएम क्या आएगा? 150 आएगा. तो 1/b इज इक्वल टू 150 एलसीएम. तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, 15 माइनस यहाँ पे 10 से डिवाइड बाय 150. देयरफॉर 1/b इज इक्वल टू 15 माइनस 10 5 अपॉन 150 क्या आएगा? 30. देयरफॉर 1/b इज इक्वल टू 1/30. देयरफॉर b इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. दोनों साइड रेसिप्रोकल होंगे तो b इज इक्वल टू क्या आएगा? 30 सेंटीमीटर. हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड करना था तो हम क्या लिखेंगे कि इमेज इज एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. ठीक है, इमेज इज एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. लेंस से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है तो b मिल गया. अब हमें फाइंड करना है इमेज साइज एच डेस. ठीक है, तो आपके पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है. मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू एच डेस अपॉन एच इज इक्वल टू बी अपॉन यू. ठीक है, एच डेस अपॉन एच में आपके पास एच है, एच डेस आपको फाइंड करना है, इज इक्वल टू बी अपॉन यू. तो बी भी है, यू भी है.
तीन वैल्यू है तो चौथी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, देखो कैसे मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू एच डेस अपॉन एच इज इक्वल टू बी अपॉन यू। ये वाला देखो, एच डेस अपॉन एच इज इक्वल टू बी अपॉन यू में एच डेस फाइंड करना है, इमेज साइज एच हमें हमारे पास है, ऑब्जेक्ट साइज फिर बी हमें मिला 30 और यू हमारे पास है -15। ठीक है, तो उसके ऊपर से एच डेस मिल जाएगा। Therefore, H डेस अपॉन H क्या है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू V क्या है 30 एंड U क्या है -15। 30 अपॉन -15। ठीक है, तो क्या मिलेगा H डेस इज इक्वल टू ये 30 और 15 का डिवीजन करो तो क्या आएगा 2 आएगा और माइनस साइन है दैट मीन्स -2 और ये इस 2 इस साइड आएगा तो +2 तो क्या आएगा -2 × 2। ठीक है, डिवीजन में खाली कैंसिल हो जाएगा ना 15 × 30 और माइनस साइन है तो -2 × 2। ठीक है, देयरफॉर एच डेस इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन मिला दैट मीन्स इमेज कैसी होगी इन्वर्टेड होगी, नेगेटिव साइन होगा मतलब की क्या होगी हाइट की इमेज साइज अगर नेगेटिव मिले तो साइन कन्वेंशन में देखो इमेज साइज अगर नेगेटिव मिले आपको तो इमेज कैसी होगी इन्वर्टेड एंड रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, क्या लिखेंगे इमेज साइज इज 4 सेंटीमीटर एंड इमेज इज इन्वर्टेड। पहले हम रियल एंड इन्वर्टेड पूरा नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ साइन के ऊपर से लिखेंगे कि इन्वर्टेड क्योंकि इमेज साइज एक्सिस से नीचे नेगेटिव मिलती है ना, नेगेटिव एक्सिस से नीचे है तो क्या होगा इन्वर्टेड होगा और मैग्निफिकेशन के ऊपर से हम लिखेंगे कि वो रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे अब मैग्निफिकेशन बी अपॉन यू या तो एच डेस अपॉन एच ले लो। चलो एच डेस क्या मिला -4 और एच क्या है +2। क्या है एच डेस क्या मिला -4 और एच क्या है +2 तो ये क्या हो जाएगा 2 × 4 और ±-2। मैग्निफिकेशन का कोई साइन नहीं आया। अब देखो आपको कैसा मिल रहा है, आपको मैग्निफिकेशन नेगेटिव मिल रहा है, नेगेटिव साइन तो आपको ये दिखाता है कि वो रियल एंड इन्वर्टेड है या तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, बट 2 इज ग्रेटर देन 1 दैट मीन्स की इमेज कैसी होगी एनलार्ज्ड। 2 इज ग्रेटर देन 1 ना, साइन मत देखो -2 मत देखो, माइनस साइन तो सिर्फ आपको रियल एंड इन्वर्टेड है या तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट है वो दिखाने के लिए, आप सिर्फ वैल्यू देखो 2 इज ग्रेटर देन 1 दैट मीन्स की इमेज इज एनलार्ज्ड। ऑब्जेक्ट से कैसी होगी बड़ी होगी। क्या लिखेंगे हम लास्ट सेंटेंस की इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, नेगेटिव साइन है तो रियल एंड इन्वर्टेड एंड इट इज ट्वाइस ऑफ द ऑब्जेक्ट। 2 मिला मतलब कि 2 टाइम्स मतलब कि ट्वाइस, इट इज ट्वाइस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की ट्वाइस है मतलब कि ऑब्जेक्ट से 2 गुना हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर 1 सेंटीमीटर का है, ऑब्जेक्ट कितना है 2 सेंटीमीटर का, तो इमेज देखो 4 सेंटीमीटर की उससे डबल मिली ट्वाइस। ठीक है, तो ये हो गया नेचर ऑफ द इमेज। हमें क्या क्या फाइंड करने को बोला था, नेचर ऑफ द इमेज दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड ट्वाइस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट मीन्स की एनलार्ज। ठीक है, फिर हमें बोला था इमेज डिस्टेंस बी दैट इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड ऑल्सो दूसरा क्या बोला था हमें इमेज साइज एच डेस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्लियर, मेजर है तीनों, लिख लो पूरा सम हो गया सबका। ठीक है, देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक पावर ऑफ लेंस। यहाँ पे दोनों सम हो गए, अब हम देखेंगे कि पावर ऑफ लेंस। देखो पावर सिर्फ लेंस में ही मिलेगा, मिरर में हमने ऐसा टॉपिक पढ़ा है कि पावर ऑफ मिरर नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो मिरर का कोई पावर नहीं होता, पावर सिर्फ लेंसेज के पास होता है, मिरर में नहीं होता। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस क्या है, कोई
ही मिरर की जो फोकल लेंथ है, ठीक है, पावर है, वो उसका कन्वर्ज और डाइवर्जेंस का हमें मैग्नीट्यूड देगा, ठीक है। हमें फोकल लेंथ या तो उसके पावर के ऊपर से ये पता चलेगा कि मिरर है वो कितना कन्वर्ज, रेस को कितना कन्वर्ज कर सकता है या तो रेस को कितना डाइवर्ज कर सकता है। चलिए, कन्वर्ज मतलब एक साथ होना, डाइवर्ज मतलब अलग, ठीक है। तो हमें फोकल लेंथ या फिर पावर की मदद से ये पता चल सकता है कि कोई भी लेंस है वो रेस को कितना कन्वर्ज कर सकता है या तो कितना डाइवर्ज कर सकता है, ये हमें उसके पावर के ऊपर से पता चलेगा, ठीक है। और पावर किस पे डिपेंड करता है, तो कि फोकल लेंथ पे। पावर किस पे डिपेंड करता है, फोकल लेंथ पे, ठीक है। मिरर की फोकल लेंथ कितनी है उस पे उसका सॉरी लेंस की मिरर नहीं लेंस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है वो फोकल लेंथ पे लेंस का पावर डिपेंड करता है। और पावर की मदद से ये पता चलता है कि लेंस रेस को कितना कन्वर्ज कर पाएगा या तो कितना डाइवर्ज कर पाएगा, दोनों लेंस में पावर आएगा, ठीक है। अगर कन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्ज होगा, अगर कनकेव लेंस है तो डाइवर्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पावर की मदद से पता चलेगा, ठीक है। सपोज की देखो, अगर शॉर्टर फोकल लेंथ होगी, ठीक है, देखो सपोज की कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस में अगर उसकी फोकल लेंथ शॉर्ट होगी, शॉर्ट फोकल लेंथ का अगर कन्वेक्स लेंस होगा ना, तो रेस है ये जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जो रेस आए ये क्या है, इंसिडेंट रेस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जो इंसिडेंट रेस होंगे, अगर फोकल लेंथ शॉर्ट है, शॉर्ट फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ शॉर्ट है तो उसका कन्वर्जेंस ज्यादा होगा और इमेज हमें लेंस से नजदीक मिलेगी। कन्वर्जेंस कैसा होगा, ज्यादा होगा, कन्वर्जेंस थोड़ा होने की वजह कन्वर्जेंस ज्यादा होगा, रेस एक दूसरे के नजदीक जल्दी आ जाएंगे और इमेज हमें नजदीक मिलेगी, ठीक है। अगर फोकल लेंथ लार्ज हुई, अगर लार्ज फोकल लेंथ होगी ना, तो ये रेस कैसे कन्वर्ज होगी, थोड़ा दूर, मतलब कि इमेज हमें दूर मिलेगी। बट अगर शॉर्ट फोकल लेंथ है तो कन्वर्जेंस कैसा होगा, हाई कन्वर्जेंस, इसे क्या बोलते हैं, हाई कन्वर्जेंस। शॉर्ट फोकल लेंथ तो हाई कन्वर्जेंस, हाई कन्वर्जेंस मतलब कि जल्दी से बेंड होके एक दूसरे से नजदीक आ जाता है। हाई कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, जल्दी से बेंड होके एक दूसरे के नजदीक आ जाता, ठीक है। तो अगर शॉर्ट फोकल लेंथ है कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस में अगर शॉर्ट फोकल लेंथ है तो कन्वर्जेंस क्या कैसा होगा, ज्यादा होगा और इमेज है वो लेंस से क्या मिलेगी, नजदीक मिलेगी, ठीक है। वैसा ही अगर कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस में अगर शॉर्ट फोकल लेंथ है तो क्या होगा, कॉनकेव लेंस में अगर शॉर्ट फोकल लेंथ है और रेस जो रेस है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होते हैं तो डाइवर्जेंस ज्यादा होगा, डाइवर्जेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, यहां पे भी हाई डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस कैसा होगा, ज्यादा होगा। अब सोचो कि डाइवर्जेंस अगर ज्यादा हुआ, ठीक है, डाइवर्जेंस ज्यादा होना मतलब कि रेस खुलने ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। कन्वर्जेंस ज्यादा होना मतलब कि रेस नजदीक जल्दी आ जाएंगे और डाइवर्जेंस ज्यादा होना मतलब कि रेस खुलने जल्दी हो जाएंगे। तो जितने रेस खुले होंगे उतनी हमें इमेज बड़ी मिलेगी, ठीक है। सोचो अगर ये कन्वर्जेंस इतना होता तो इमेज हमें इतनी मिलती ना, ठीक है। बट ये कन्वर्जेंस ज्यादा है, कन्वर्जेंस के साथ है ज्यादा है, देखो कितना ज्यादा कन्वर्जेंस है तो इमेज हमें इतनी बड़ी मिलेगी और क्या मिलेगी, अवे फ्रॉम द लेंस, लेंस से क्या मिलेगी, दूर मिलेगी, ठीक है। तो याद रखो कि कन्वेक्स लेंस में शॉर्ट फोकल लेंथ और हाई कन्वर्जेंस तो इमेज नियरर फ्रॉम द मिरर लेंस, लेंस से कैसी मिलेगी, नजदीक, नियर नियरर फ्रॉम द लेंस, ठीक है। और अगर शॉर्ट फोकल लेंथ का कॉनकेव लेंस है तो हाई डाइवर्जेंस होगा और इमेज इज अवे फ्रॉम द लेंस, ठीक है, लेंस से थोड़ी दूर मिलेगी, क्लियर, ठीक है। जैसे हाई कन्वर्जेंस होगा तो इमेज जैसे कन्वर्जेंस ज्यादा होता जाएगा ना वैसे इमेज नजदीक आती जाएगी और यहाँ पे डाइवर्जेंस जैसे ज्यादा होता जाएगा वैसे इमेज दूर होती जाएगी, आ गया समझ में। जैसे ही कन्वर्जेंस ज्यादा इमेज नजदीक आती जाएगी और
जैसे ही डाइवर्जेंस ज्यादा इमेज दूर होती जाएगी, क्लियर? ठीक है, तो इसके ऊपर से ये पीए हमें कैसे पता चलता है, पावर के ऊपर से, फोकल लेंथ के ऊपर से, शॉर्ट या तो हाई फोकल लेंथ के ऊपर से ये हमें पता चलता है। अब इसमें पावर क्या काम करता है, ठीक है, पावर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ये फॉर्मूला याद रखना है, दोनों लेंस के लिए सेम, कन्वेक्स लेंस और कंकेव लेंस दोनों लेंसेज के लिए सेम है, ये फॉर्मूला याद रखना है, पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू वन अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, तो शॉर्ट फोकल लेंथ होगी तो पावर ज्यादा होगा दोनों में, अगर फोकल लेंथ जितनी कम होगी उतना पावर क्या होगा, हाई होगा, इसीलिए यहाँ पे इमेज आपको नजदीक मिलेगी और यहाँ पे दूर मिलेगी, क्लियर? अब सपोज की फोकल लेंथ में मीटर में लेती हूँ, फोकल लेंथ इसमें लेती हूँ मीटर में, तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा, पावर इज इक्वल टू क्या है, वन अपॉन फोकल, ठीक है, ये मैंने किसमें लिया, फोकल लेंथ मीटर में लिया, तो पावर का यूनिट कैसा आएगा, वन अपॉन मीटर आएगा, फोकल लेंथ का यूनिट अगर मैं मीटर लेती हूँ तो पावर क्या होगा, वन अपॉन मीटर होगा, वन अपॉन मीटर दैट इज की मीटर इनवर्स, वन अपॉन मीटर दैट इज मीटर इनवर्स, तो मीटर इनवर्स को लिखते हैं कैपिटल डी, कैपिटल डी मतलब डायोप्टर, कैपिटल डी को क्या बोलते हैं, डायोप्टर, याद रखना, ठीक है, यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर क्या लिखा जाता है, डायोप्टर, इसमें डायोप्टर कैपिटल डी, ठीक है, दैट मीन्स कि आप बोल सकते हो कि मीटर इनवर्स इज इक्वल टू डायोप्टर, दैट मीन्स कि वन मीटर इनवर्स इज इक्वल टू वन डायोप्टर, वन मीटर इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, वन डायोप्टर, क्लियर? ठीक है, अगर फोकल लेंथ मीटर में ली तो वन अपॉन मीटर दैट इज मीटर इनवर्स, और मीटर इनवर्स को क्या बोलते हैं, डायोप्टर, दैट मीन्स की पावर किसमें मेजर होता है, डायोप्टर, ठीक है, वन मीटर इनवर्स इज इक्वल टू वन डायोप्टर, ठीक है, अब मैंने आपको लिखवाया है कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव, साइन कन्वेंशन में देखो, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव, कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, यहाँ पे पॉजिटिव है, वन तो ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव ही है, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आया तो दोनों पॉजिटिव है तो पावर भी कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ना, ठीक है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ये लिखिए ना, हाँ पावर इज इक्वल टू पॉजिटिव, ये फॉर्मूला लिखना, फिर मैंने यहाँ पे जो मीटर इनवर्स डायोप्टर वाला अभी रफ किया वो भी लिखना है, ठीक है, वो लिख लेना, उसके बाद ये लिख लेना, कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव, और कंकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है, तो ये तो पावर भी हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव, जैसी फोकल लेंथ वैसा ही पावर, ठीक है, कन्वेक्स लेंस में दोनों पॉजिटिव, कंकेव लेंस में दोनों नेगेटिव, क्लियर? ठीक है, अब आपको बुक में दिया है कि अगर फोकल लेंथ अगर अलग अलग ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब्ड करेक्टिव लेंसेज, हमारे आपके नंबर के ऊपर से ऑप्टिशियन हमें स्पेक्टेकल्स देते हैं ना, ठीक है, तो उसमें उन लोगों को वो पावर मेजर करते हैं, क्या मेजर करते हैं, पावर मेजर करते हैं, ठीक है, अगर फोकल लेंथ पावर इज इक्वल टू 2.0, ठीक है, अगर सपोज की कौन सा लेंस है, इस सिंगल लेंस प्रिस्क्राइब्ड इज, देखो अगर पावर इज इक्वल टू प्लस 2.0 डी मतलब डायोप्टर है, पावर कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव कहां पे है, कन्वेक्स लेंस, पावर अगर पॉजिटिव है तो क्या आएगा, कौन सा आएगा, कन्वेक्स लेंस आएगा, ठीक है, तो फोकल लेंथ कितनी मिलेगी, फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो पावर पी इज इक्वल टू क्या है, वन अपॉन एफ, तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा, वन अपॉन पी होगा ना, पी कितना है, वन अपॉन टू, दैट मीन्स की 0.5, तो एफ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0.5 मीटर मिलेगा ना, ठीक है, और कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, अगर पावर पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव, ठीक है, और पावर डायोप्टर में है तो फोकल लेंथ मीटर में, क्लियर, और अगर आपको पावर इज इक्वल टू दिया है,
अगर आपको पावर इज इक्वल टू दिया है -2.5 डायरेक्टर, कैसा दिया है -2.5 डायरेक्टर, तो माइनस है नेगेटिव है तो कौन सा लेंस आएगा, कॉनकेव लेंस, नेगेटिव है तो कॉनकेव लेंस आएगा ना, और इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, एफ इज इक्वल टू 1/p, जैसे ये किया है पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ, पी इज इक्वल टू 1/l, तो एफ इज इक्वल टू 1/p, तो क्या आएगा एफ इज इक्वल टू 1/p दैट इज -2.5, तो आप इसे 2.5 को कैसे लिख सकते हो, 10/25 माइनस साइन ऊपर ले लेते हो, तो -10/25, तो 5 2 10, 5 5 25, तो -2/5 कितना आएगा -0.4, क्या आएगा -0.4, और ये पावर डायरेक्टर में है तो फोकल लेंथ मीटर, ठीक है। तो ये हमें अलग अलग वैल्यूज मिल सकती है, ये तो मैंने फॉर योर इन्फॉर्मेशन लिखा, ठीक है, अलग अलग पावर होगा तो वैल्यूज भी अलग अलग फोकल लेंथ की मिलेगी, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि पॉजिटिव तो कॉनकेव लेंस और नेगेटिव तो कन्वेक्स लेंस, क्लियर, ठीक है, लिख लो, इतना हो गया सबका, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।